हेलो फ्रेंड्स, उस दिन मैंने जो अपना थर्ड व्लॉग शेयर किया था उसी दिन हम सब शॉपिंग करने गए थे। एक्चुअली मेरे ससुराल में शादी है मेरे हस्बैंड के मामा की बेटी की, तो उसी में मुझे लहंगा पहनना था और अपने बच्चों के लिए ड्रेस लेना था, तो उसी में हम लोग ये हैवी लहंगा हो गया मेरा पूरा। इसमें सीक्वेंस वर्क है और सीक्वेंस से ही इसमें वाइट वाइट फ्लावर बना हुआ है। एंड ये है ब्लाउज का कपड़ा, ये पूरा ऐसे आएगा। ये बैक का नेक डिज़ाइन है, ये जो कलर दिख रहा है वैसा नहीं है ग्रे, ये इस टाइप का कलर है। ये फ्रंट नेक का डिज़ाइन है, छोटा छोटा इसमें बूटी किया गया है फ्लावर वाइट थ्रेड से एंड सीक्वेंस से। ये तो लहंगे के साथ ब्लाउज का कपड़ा मिला था, बट जो इसमें नेट दिया है अंदर अस्तर है। जो मैंने लिया है वो अभी तो मैंने सिलने ब्लाउज दे दिया है, वो जब मैं शादी में पहनूंगी तब आप लोग देखिएगा। मुझे इसका ब्लाउज उतना खास पसंद नहीं आया लहंगे के हिसाब से, इसलिए मैंने दूसरा लिया है कपड़ा। ब्लाउज़ का जो बॉर्डर है वो मैंने लगाने के लिए दे दिया, और इसका जो बूटी वाइट वाइट है उसे भी मैंने कहा है कि निकाल के उसमें लगा देने के लिए, तो मैचिंग हो जाएगा नीचे लहंगा जैसा वाइट वाइट फ्लावर बना हुआ है। ये इसका आस्तीन का डिज़ाइन हो गया। ये मैंने फ्लावर बोला है कि जो दूसरा कपड़ा मैंने लिया है उसमें बोला ये वाइट निकाल के कट करके उसमें उसके बाह में लगा देने, क्योंकि तो काफ़ी सिंपल लग रहा था लहंगे के हिसाब से। और ये इसका दुपट्टा है, इसमें ये दुपट्टा का लेंथ बहुत इसमें अच्छा दिया, जितना हेवी लहंगा में होना चाहिए उतना इसमें लेंथ है, लगभग 2.5 मीटर इसका लेंथ होगा। ये इसका बॉर्डर है, इसमें सीक्वेंस किया है लाइट ब्लू को एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, जो वाइट कलर का है वो भी सीक्वेंस ही किया, सीक्वेंस हल्का सा जो वाइट थ्रेड से इसमें एम्ब्रॉयडरी किया गया है। दुपट्टे में पूरा बीच बीच में बूटियां किया गया है, सीक्वेंस वाइट सीक्वेंस है एंड वाइट थ्रेड से, लेंथ काफ़ी अच्छा है दुपट्टे का। चारों तरफ ये बॉर्डर इसमें लगाया गया है। इसको मैं सर पे लेके दिखा देती हूँ। लाइट कलर आजकल काफ़ी यूनिक चला है, लाइट पिंक लाइट ब्लू, इसलिए मैंने कुछ डिफरेंट लिया। डार्क कलर हमेशा पहनती रहती हूँ तो इसलिए मैंने इस बार लाइट लहंगा लिया है। कलर थोड़ा सिंपल और सोबर लग रहा है ये। दुपट्टा ठीक है थोड़ा हल्का सिंपल में, क्योंकि लहंगा भी है हैवी तो दुपट्टा भी हैवी रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एंड ये है मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल लहंगा, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लगा मुझे ये। ये इसका बेल्ट है जो मैंने काफ़ी थोड़ा पतला कर दिया, क्योंकि लहंगे का लेंथ को थोड़ा कम करना था तो डिज़ाइन इसमें कट जाता, इसलिए मैंने जो उसका कमर का बेल्ट है उसको ही मैंने टेलर को बोल के कट करवा दिया है हाफ। या पूरा लहंगा देख सकते हैं, इसमें 12 कली दिया गया है, जितना लहंगे में घेर होना चाहिए उतना ही इसमें दिया गया है, कहीं से भी घेर आपको ऐसा नहीं लगा कि ये कम है। और इसमें जो वर्क है एकदम नीट एंड क्लीन किया गया है, ये मैं आपको अपने कमर में लगा के दिखा देती हूँ इसका घेरा कितना है, देखिए कितना अच्छा है। और लॉन्ग भी काफ़ी है, इसे लंबी लड़कियाँ भी पहन सकती हैं एंड मेरी तरह मीडियम भी। मेरा हाइट 5 फीट 2 इंच है। ये जो वाइट थ्रेड से भी है और सीक्वेंस से भी ये फ्लावर बना हुआ है, जो काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव और अच्छा लग रहा है। इसमें यही खास बात है कि ये पूरा सीक्वेंस है, छोटा छोटा सितारा है, बड़ा वाला सीक्वेंस नहीं है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा चमचम लगता है। ये छोटा छोटा इसमें सितारा है और इसमें वाइट कलर जो दिया यही इसमें अट्रैक्टिव लग रहा है,
पूरा निखर के ये डिज़ाइन इसका बाहर आ रहा है लहंगे का, इसलिए मैंने ब्लाउज का कपड़ा थोड़ा मैचिंग ढूंढ के अलग लिया है, कोशिश किया है कि इसमें लहंगे में मैचिंग लगे बिल्कुल। ये ब्लाउज इसमें जो दिया था मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था। देखिए ये कमर का डिज़ाइन है, वाइट थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी है एंड छोटा छोटा इसमें सीक्वेंस है। इसमें जो थ्रेड है वाइट उससे एम्ब्रॉयडरी बहुत ही अच्छी नीट एंड क्लीन की गई है, कहीं से भी आपको धागा निकला हुआ नहीं दिखेगा। इसमें ये हार्ड कपड़ा जो बोलते कैनवास का वो लगा हुआ है। फिर उसके बाद इसमें ये एक और लगा हुआ है हार्ड और ये केनकेन है, इससे घेर जो है लहंगे का काफ़ी अच्छा आता है। ये इसका उल्टे तरफ का मैं दिखा देती हूँ। ब्लाउज़ के कपड़े में अस्तर यही वाला दिया गया, मैंने अस्तर यही दिया, बट नेट का जो कपड़ा है मैंने अलग से लिया है। वर्क थोड़ा दिखता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा लहंगा आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और मैं अपनी बेटियों का दिखाऊंगी उन लोगों का क्या है। जो बड़ी बेटी है उसके लिए मैंने लहंगा लिया है, बहुत ही प्यारा कलर। ये इसका देखिए टॉप है, इसमें देखिए वाइट स्टोन से जरी वर्क और ये पूरा इसमें काम किया गया है। ये डार्क पर्पल है, इसे वाइन डार्क वाइन भी कह सकते हैं, बहुत क्यूट और प्यारा मुझे ये लगा। इसके डैडी को ये बहुत पसंद आया था ये लहंगा, उन्होंने ये पसंद किया था। बच्चों का जो ड्रेस होते हैं प्यार प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट लगते हैं मुझे। ये दुपट्टा है इसका, इसमें बॉर्डर में वही वेलवेट दिया गया, इसलिए इसमें खोला नहीं। इसका लहंगा देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर है, मतलब ऊपर डार्क दिया गया है इसका टॉप का और नीचे लाइट दिया ताकि कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। और इसका झूमर जो दिया है साइड में देखिए कितना क्यूट और प्यारा लग रहा है, अच्छा काफ़ी दिया है। मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों का लहंगा है तो उसमें छोटा और सिंपल झूमर दे, झूमर भी इन्होंने काफ़ी हेवी दिया है, देख सकते हैं आप, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक और लहंगा मेरी बेटी का था तो मैंने उसका झूमर निकाल लिया था क्योंकि काफ़ी हेवी था, तो मैंने सोचा छोटी सी बच्ची है तो ये क्या करेगी इतना हेवी लेकर झूमर। लहंगे में लटकन होता है तो अच्छा लगता है, मुझे भी अपने लहंगे में लगवाना है, मैंने टेलर को बोल दिया है। एंड ये मेरी छोटी बेबी का ड्रेस है, उसके लिए तो लहंगा चुभने वाला मैं नहीं ले सकती थी इसलिए मैंने ये लिया, और सिल्क में है ये, और कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है क्योंकि नेट वेट वाला कपड़ा अगर लेती तो उससे बहुत काफ़ी चुभता, क्योंकि अभी वो 4 मंथ की है, तो इसीलिए मैंने इस सॉफ्ट और सिल्क टाइप में ये लिया है जो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था पार्टी वेयर। काफ़ी स्टाइलिश भी लग रहा है इसका ये कलर कॉम्बिनेशन। एंड मैंने इसके लिए शूज़ लिया है, देखिए उसने मेरी बड़ी बेटी ने जिद किया कि बेबी के लिए ये वाला लो ये वाला लो, तो मैंने उसके पसंद कर लिया। ये इसका क्रीम कलर का मैंने लिया कि इसका जो ऊपर का जो इसमें वेस्ट कोट दिया है फ्रॉक में उसी का मैचिंग मैंने लिया है, देखिए बहुत ना क्यूट लग रहा है, इसमें मंकी बना हुआ है। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल।